गाइस। और अभी अभी ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित हो चुका है और 4 से 5 जोन ऐसे जिनका अभी कट ऑफ घोषित हो चुका है दोस्तों। तो उसी कट ऑफ के बारे में आज डिटेल से जानकारी करते हैं। तो आरआरबी भोपाल का जो कट ऑफ घोषित हो चुका है दोस्तों, और ये देख सकते हैं आप कट ऑफ कितना गया है नॉर्मलाइज मार्क्स के साथ। कट ऑफ मैं बताता हूँ आपको, जनरल का कट ऑफ चले गया है 65 दोस्तों, और एससी का कट ऑफ भोपाल में गया है 49, एसटी का कट ऑफ गया है 44, और ओबीसी का कट ऑफ गया है 58 दोस्तों। तो इतने में अगर आपके मार्क्स है तो आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा दोस्तों। और दूसरा जोन है जिसका कट ऑफ अभी जारी हो चुका है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, आरआरबी कोलकाता का कट ऑफ भी बहुत हाई गया है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर आरआरबी कोलकाता का कट ऑफ जनरल का गया है 69, एससी का कट ऑफ गया है 58, और एसटी का कट ऑफ गया है 48, ओबीसी का कट ऑफ गया है दोस्तों 65। तो अगर इतने मार्क्स है आपके तो आपके शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा दोस्तों पीईटी के लिए। और नेक्स्ट जोन की अगर बात करें तो नेक्स्ट जोन है दोस्तों जिसका कट ऑफ आरआरबी गुवाहाटी, इसका भी कट ऑफ जारी हो गया है दोस्तों। तो बात करें जनरल का कट ऑफ तो 69 गया है दोस्तों, एससी का कट ऑफ गया है 47, एसटी का कट ऑफ गया 36, और ओबीसी का कट ऑफ गया है 50। तो आरआरबी गुवाहाटी का भी कट ऑफ यहाँ पर क्लियर हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट जोन की अगर बात करें तो ये है आरआरबी अहमदाबाद, अहमदाबाद का कट ऑफ गया है दोस्तों जनरल का 62, एससी का गया है 50, एसटी का 49, और ओबीसी का गया है दोस्तों 58। और इनके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की भी पीडीएफ आ गया है दोस्तों, मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन होकर देख सकते हैं दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग दोस्तों? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको डेली अपडेट जो न्यूज़ेस है, जो रिज़ल्ट है, न्यू रिज़ल्ट जो भी आते हैं तो उसकी मैं जानकारी उसमें डाल देता हूँ दोस्तों। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोस्तों, और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।